आईपीएल 2022 की शुरुआत से पहले गुजरात टाइटंस के लिए एक अच्छी खबर आई है। जी हां, गुजरात टाइटंस के कप्तान और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने योयो टेस्ट पास कर लिया है, जिसके चलते अब उन्हें आईपीएल खेलने की मंजूरी मिल गई है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके ओपनर पृथ्वी शॉ इस टेस्ट में पास नहीं हो पाए हैं। पीटीआई के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हार्दिक पांड्या ने फिटनेस टेस्ट के दौरान बॉलिंग भी की है। हालांकि एनसीए ने उनके लिए बॉलिंग जरूरी नहीं रखी थी, लेकिन हार्दिक ने खुद ही 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ बॉलें डाली और योयो टेस्ट में अपने 17 से ज़्यादा पॉइंट अर्जित किए। वहीं बात करें अगर दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर पृथ्वी शॉ की, जो कि योयो टेस्ट में फेल हो गए हैं और ये निजी तौर पर साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत बड़ा झटका भी है। लेकिन क्योंकि पृथ्वी शॉ बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों में नहीं शामिल होते हैं, इसलिए वो आईपीएल खेलने में समर्थ रहेंगे, लेकिन उनकी फिटनेस पर सवाल लगातार उठाए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। खेल जगत से जुड़ी और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें जनसंदेश टाइम्स का स्पोर्ट्स अड्डा।